हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, पैरामेडिकल का परीक्षा हो चुका है और परीक्षा होने के बाद आप लोगों का जो सबसे बड़ा डाउट होगा वो यही होगा कि सर मैंने 35 क्वेश्चन बनाया था, 40 बनाया था, 60 बनाया था, 48 बनाया था, क्या मुझे सर सरकारी कॉलेज मिलेगा और मिलेगा तो कौन सा कोर्स मिलेगा सर। यही प्रश्न सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को अभी मन में आ रहे होंगे कि मैंने 43 क्वेश्चन बनाया है, क्या मुझे जीएनए मिल जाएगा, एनए मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चंस मेरे व्हाट्सएप पर पूछे जा रहे हैं, मैंने सोचा एक वीडियो बना देते ताकि आप सभी लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और हाँ, प्यार करते हैं आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं एनएम का। एनएम के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा, जैसे कि मैं थोड़ा सा एक मिनट का समय लेकर बता दूं कि पिछले दो सालों से अगर मैं देखूं तो इस वर्ग का जो प्रश्न पत्र था वो हिंदी का थोड़ा सा टफ था। मैं इससे इनकार नहीं करता हूं सर, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न जो पैरामेडिकल में हिंदी का पूछा गया है वो एकदम बिल्कुल बेहुद्दा वाला प्रश्न पूछा सर, कोई लॉजिक ही नहीं था वो प्रश्न पूछने का। मैं मानता हूं कि उस तरीके का प्रश्न आज तक पैरामेडिकल में कभी नहीं पूछा। 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ, अगर पढ़ा रहा हूँ तो हर वर्ष हिंदी में स्टूडेंट परीक्षा देने के बाद बोलते थे कि सर मैंने 15 में 15 बनाया, पर इस बार हर कोई बोल रहा है सर 11-12 बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा है, मुश्किल से ही कोई 13 करके आया होगा हिंदी में सर। मतलब कि ओवरऑल अच्छा गया है, ऐसा नहीं कि खराब गया है। 15 में अगर 11 बनाए हैं तो अच्छा ही मानेंगे इसको, 12 बनाए हैं तो। पर इस प्रत्येक साल क्या होता था कि 15 में 15 सब स्टूडेंट बनाकर आता था, पर इस बार कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 4 प्रश्न ऐसे थे ना जो काफ़ी टफ थे हिंदी का, बाकी सारे प्रश्न को अगर देखा जाए तो अच्छा था खासा। जीके का तो मेरा सारा प्रश्न ही लड़ा था, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा परीक्षा गया। जिन्होंने मेहनत की थी पूरे साल भर या 6 महीने, क्योंकि इसमें तुक्का से काम चलेगा नहीं, कुछ लोग तो फॉर्म भरते हैं चलो एक महीना पढ़ लेते हैं, तो ऐसा कुछ तो यहाँ पर होने वाला नहीं है। जिन्होंने मेहनत किया था उनका परीक्षा बहुत अच्छा गया है। तो चलिए, मैं पिछले 2 सालों से और इस वर्ष को देखते हुए मैंने एनालिसिस करके आपके लिए कट ऑफ बनाया सर, और इस वर्ष का 1 से 2 प्रश्न जो है सर वो डाउन हो जाएगा। मतलब कट ऑफ क्या रहने वाला बता देता हूँ। और एक और इन्फॉर्मेशन है सर कि जो मैं कट ऑफ बताऊँगा भाई, बिल्कुल समझ लो, अगर आपका इतना आता है तो मान लो कि आपका सरकारी कॉलेज कोई नहीं रोकने वाला है। और एक बात और, अगर आप कन्फर्म होना चाहते हैं तो आपको रैंक कार्ड तक का वेट करना होगा। रिजल्ट कब आएगा वो भी मैं वीडियो के में बताऊंगा आपको। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि एनएम नर्सिंग के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा। एनएम नर्सिंग के लिए कितना नंबर आपको लाना होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है सर, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मतलब कि आप जनरल से आते हो, तो आपको 48 क्वेश्चन सही करके आना होगा। अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं तो बीसी कैटेगरी में आपको 46 क्वेश्चन है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर जी, ईडब्ल्यूएस में आपका 46 है। आगे देखें सर जी, एससी कैटेगरी में 39 है। आगे देखें एसटी कैटेगरी में आपका 32 है। और अगर आपका डीक्यू कोटा है तो डीक्यू में 21 है। सारा बता दिया ना मैंने, कुछ छूटा तो नहीं ना। ईबीसी छूट गया क्या? हाँ, ईबीसी छूट गया है। ईबीसी वाले बोलेंगे क्या सर हमसे प्यार नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं सर, ये नीचे हो गया है थोड़ा सा, प्यार घट गया आपके लिए, इसको ऊपर लिखना चाहिए था। चलिए सारा लिख दिए ना, चलो लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करने में कंजूसी ना करो, पैसा नहीं लगता लाइक करने में सर। एनएम का मैं बता रहा हूँ, जीएनएम का नहीं बता रहा हूँ, जीएनएम का भी थोड़ी देर में बताऊँगा, पहले एनएम का देख लो। एनएम का अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो आपको 48 प्रश्न अगर आपने सही करके आया है, ये प्लस कर लेना, इतना प्रश्न अगर आपका सही है 32 प्लस होना चाहिए। अगर 31 है तो फिर मिल सकता है, मिलने के लिए तो 40 पर भी मिलेगा, पर अगर आपका 42 है तो एकदम गारंटी मैं लिख के देता हूँ सर, 100% इसकी गारंटी है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा सर। फर्स्ट राउंड होता है, फिर आपका सेकंड राउंड होता है, फिर आपका मॉपअप राउंड भी चलता है, ठीक है? तो 3 राउंड आपका करीब करीब होता है, वो सब बाद में हम चर्चा करेंगे इस पर। पर सबसे पहले देख लीजिए, एनएम नर्सिंग के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो 48 अगर आपने बना लिया है तो एकदम मिठाई उठाई बांट सकते हो, अगल बगल में कह सकते हो कि इस बार मेरा सिलेक्शन होने जा रहा है। बीसी कैटेगरी में 46 है, आराम से रहो, सेफ रहो, एकदम आपका हो ही जाएगा इस बार, मान लो। ईडब्ल्यूएस में 46 प्लस है, एकदम कंफर्म निश्चित रहो कि होगा ही होगा।
एससी कैटेगरी में अगर आपने 39 क्वेश्चन बना लिया है तो आराम से हो जाएगा। एसटी कैटेगरी जो एसटी आते हैं 32 पे आराम से होगा, 40-42 पे तो आपका जीएनएम हो जाता है जी, बताते हैं उसका भी। डीक्यू कोटा जो विकलांग है उनके लिए बस 90 में से 21 क्वेश्चन टपटपा दिया है, अंथाइयो टपटपा दिया है, लगातार बीबी रंग के आ गया है तो यो 21 वो सही हो जाएगा, यानी डीक्यू कोटा वाला का तो मौज में मौज है। ईबीसी कैटेगरी अगर आपका आता है तो ये इसमें 42 क्वेश्चन आपका लगभग सही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि 40 है उसका नहीं मिलेगा, मिलेगा पर थोड़ा सा धैर्य रखना है आपको, यानी कि सर आप बोले थे 42-40 मेरा है सर तो क्या मान लें नहीं मिलेगा, तो आपको निराश नहीं होना है। बस मैं एक कट ऑफ बता रहा हूँ कि अगर इतना आता है तो आप सेफ है। हाँ, इससे 1-2 अगर कम है तो मान सकते हो कि आपको मिल जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा कम है, कोई स्टूडेंट है ईबीसी में 35 आ रहा है तो मान लो कि तुमको तो कभी नहीं मिलेगा सर। हाँ, अगर एससी कैटेगरी में 36-37 आ रहा है, 2-3 नंबर कम आ रहा है, क्वेश्चन का बात कर रहे हैं सर, इसमें 5 से गुना कर लेना, मतलब अगर आप 90 में से 35-36 गो बनाए हो तो उम्मीद कर सकते हो, पर अगर 1-2 प्रश्न इसमें घटा के देख लेना, अब उससे ज्यादा मत करना नहीं तो फिर नहीं मिलेगा सर। इतना है तो एकदम गारंटी मैं देता हूं कि मिलेगा ही मिलेगा आपको, 100% गारंटी इसकी है। एससी वाले के लिए 39-40 पे आराम से मिल जाता है, 45-46 जो पिछले साल सही करके आया था 48 उसको तो जीएनएम मिला है सर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को हमने देखा, ठीक है, हजारों स्टूडेंट का काउंसलिंग करते हैं सर, सारा कुछ मालूम होता है। और बाकी सर कब सिक्योरिटी के साथ बता पाएंगे, तो जब आपका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने के बाद आपका रैंक कार्ड आता है, और रैंक कार्ड जब आ जाएगा ना तो मैं कंफर्म कर दूंगा कि हाँ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, रैंक कार्ड आने के बाद। बस एक ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने इतना बना लिया है तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और जान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा इस वर्ष, मेरी गारंटी है। चलिए सर आगे देख लेते हैं जीएनएम का, ठीक है, जीएनएम का ये ईडब्ल्यूएस है, ये बीसी है, ये एससी है, एसटी है, डीक्यू है, ईबीसी है, इससे ज़्यादा कम मत करना। अगर जैसे ईबीसी में मैंने 42 बताया तो अगर आपका 40 आ रहा है ना तो उम्मीद रख सकते हो, अगर एसएससी में मैंने 39 बताया तो अगर आपका 37-38 तक आ रहा है तो उम्मीद रख सकते हो, उससे कम आ रहा है तो फिर नहीं मिलेगा सर, ये जान लो, ठीक है। पर रैंक कार्ड आने दीजिए, थोड़ा सा आप भी धैर्य रखें, थोड़ा सा हम भी धैर्य रखेंगे, रैंक कार्ड आने के बाद सब कुछ खुल जाएगा कि हाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काउंसलिंग तो सारे लोगों को करवाना ही है चाहे रैंक आपका कितना भी है, ठीक है। चलिए जीएनएम का देख लेते हैं, हम जीएनएम का भी बता दें थोड़ा सा। चलिए, गर्मी बहुत है सर, आप लोग की तरफ भी गर्मी है ना, बहुत गर्मी है सर, बहुत बहुत गर्मी है। अभी देखो ना रात का कितना बज रहा है, 23-23 हो रहा है, देखो दिखा रहे अभी टाइम कितना हो रहा है, रात का 11:30 बज रहा है, इतना गर्मी है ना, मन ही नहीं करता है वीडियो बनाने का, पर आपसे जो प्यार करते हैं ना सर जी, बनाना पड़ता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, जीएनएम का भी देख लेते हैं सर, जीएनएम नर्सिंग का। अब लड़का लोग बोलेगा सर हम लोग को नहीं बताइएगा, आप लोग को भी बताएंगे, आप लोग लाइक कर दीजिए, अगले वीडियो में मैं लड़का लोगों का भी बता दूंगा। चलिए जीएनएम का कितना है सर, जनरल कैटेगरी अगर आता है तो आपका 58 क्वेश्चंस है, बीसी कैटेगरी है सर तो बीसी कैटेगरी में 55 सर, देखो पिछले साल 60 था, इस बार 58 मैंने कर दिया, क्यों सर, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ था, ये मैं मानने से इनकार नहीं करता, तो 2 क्वेश्चन थोड़ा सा कम कर दिया हूँ कि हाँ 58 तक आपको मिल जाएगा। बीसी कैटेगरी है तो 55 सर, और अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का और बीसी का देखा जाता है कि दोनों का सेम ही जाता है। आगे है सर जी आपका ईबीसी है तो 50 क्वेश्चंस, ईबीसी का तो 50 पर एकदम कंफर्म है मिल जाएगा सर ईबीसी का। आगे सर एससी कैटेगरी है तो 46। आगे है आपका एसटी कैटेगरी है तो 38, एसटी कैटेगरी है तो 38, और आगे है सर आपका डीक्यू वाले के लिए तो मौज है सर, 30 क्वेश्चन बस। चलिए सर यहाँ पे समझ लेंगे अब थोड़ा सा हम लोग, पारा मेडिकल में अगर किसी कोर्स के लिए मारा मारी होता है, सबका सपना होता है सर कि मुझे जीएनएम नर्सिंग चाहिए, पर सबका सपना साकार नहीं होता, जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत किए हैं पूरे साल उन्हीं को जीएनएम मिलता है। एनएम जो होता है ना सर, वो 2 महीने 1 महीने पढ़कर भी लोग यूट्यूब पर भी पढ़ के अच्छा नंबर ले आते हैं और उनका सलेक्शन हो जाता है, पर जीएनएम आपको तभी मिलेगा जब आप 1 साल डेडिकेटेड होकर मन लगा के
पढ़ेंगे तभी आपको मिलेगा, ये सबको मालूम है, क्योंकि इसमें सीट भी उतना ज़्यादा नहीं होता है और इसमें जीएनएम के लिए बहुत ज़्यादा मारा मारी होता है सर, क्योंकि नीट वाले भी भरते हैं, बीएससी नर्सिंग वाले भी भरते हैं, क्योंकि जीएनएम नर्सिंग कोर्स ग्रेड ए नौकरी होता है सर, ग्रेड ए का ये जीएनएम नर्सिंग है, आपको मालूम ही होगा इसके बारे में, जीएनएम नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। तो जनरल कैटेगरी में 58 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं 90 में से सर, 90 में से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 90 में से 58 क्वेश्चन बनाकर आए हैं तो आपको मिल जाएगा। अगर आप बीसी कैटेगरी में 55 बनाकर आए हैं तो आराम से मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में 55 हो जाएगा, ईबीसी कैटेगरी में 50 हो जाएगा, एससी कैटेगरी में 46, अगर आपका कैटेगरी है एससी तो आपको 46 क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा। एसटी कैटेगरी है तो 38 क्वेश्चन बना लिए हैं, मिल जाएगी। डीक्यू कोटा है यानी विकलांग है तो 30 क्वेश्चन में भी मौज है, क्योंकि पिछले वर्ष दो तीन लड़की का मैंने देखा, एक पूर्णिमा कुमारी थी, एक निक्की थी, निक्की को एसकेएमसीएच मिला है, निक्की का डीक्यू कोटा से शायद 31-29 था और उनका ओवरऑल रैंक जानोगे 80,000 था, बताओ। तो 30 लिखे ना सर, 28 में भी मिल जाएगा डीक्यू कोटा में, क्योंकि देखिए सर डीक्यू कोटा में अगर 50 सीट है, मैं सारे ओवरऑल बिहार का बात कर रहा हूँ, मैंने बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी देख नहीं रहा हूँ कितना है, तो 50 अगर सीट है डीक्यू कोटा में और उसमें 48 ही स्टूडेंट है, इसमें तो सीट बच जाता है सर, तो दूसरे लोगों को आवंटित कर दिया जाता है, तो इसमें काफ़ी बस डीक्यू कोटा होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि हम देखें गांव घर में कि अंगुली टेढ़ा करके खींचा लेगा पैसा के चलते, कुछ इस प्रकार से, तो वैसा नहीं है, आपका डीक्यू कोटा का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और इसका मेडिकल टेस्ट होता है सर, और मेडिकल टेस्ट वो सब बाद में बता देंगे, अगर आप डिसक्वालीफाइड हो गए ना तो फिर आपका सीट भी गया, साल भी गया। चलिए, तो जनरल कैटेगरी वाले का 58 है, बीसी कैटेगरी से आते हैं तो 55 है, ईडब्ल्यूएस से 55 है 90 में से, ईबीसी 50 है, अगर आप एससी कैटेगरी हैं तो 46 है, और अगर आपका एसटी कैटेगरी है जो कि बिहार में न के समान है, एसटी वाले का तो 38 क्वेश्चन है, मिल जाएगा, क्योंकि पिछले साल की कहानी है, हमारी शेरनी थी पल्लवी, एक और शेरनी थी, नाम याद नहीं पड़ रहा है, दो तीन शेरनी थी जो एसटी कैटेगरी से आती थी, तो इनका अगर मैं रैंक देखूं तो इन्होंने, मैंने खुद पूछा था पल्लवी कितना बनाई थी, बस सर 41 तो बनाई भी किए थे सर, 41 बनाए थे सर, 41, एक और लड़की थी 40 सर थी, तो वही मैंने 38 लिखा है, एक दो कम ही करके मैंने लिखा है, क्योंकि इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा डाउन ही जाने वाला है, ठीक है, मतलब कि सर 40-39 पे एकदम आराम से मिल जाता है सर, पिछले साल की ही कहानी है, 40-39 पे आपको 39, देखो मॉप ऑफ राउंड जाते जाते आपका 39 हो गया था, 38-39, तो इसलिए मैंने लिखा है कि अगर आप एसटी कैटेगरी में हो तो 38 पे हो जाएगा। पर याद रखना सर, जीएनएम में एक दो क्वेश्चन कम मत करना, इसमें कंपटीशन तगड़ा है, यानी कि अगर आप बीसी कैटेगरी में आते हैं और आपका क्वेश्चन सही हो रहा है 52, तो बस थोड़ा थोड़ा, कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि मिल जाए, भगवान के जाके अपना वश में करने का कोशिश कर सकते हैं, नरियल पे नरियल फोड़ने का वादा कर सकते हैं, मतलब भगवान को अपने मतलब कि खुश कर सकते हैं कि हाँ कैसे हो जाए, पर इसमें नहीं कि बीसी में अगर आपका 52 आएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा, एनएम में हो सकता है, एक दो क्वेश्चन कम भी रहेगा तो, जीएनएम में कंपटीशन जो है सर क्या है, तगड़ा है, तगड़ा तगड़ा है, क्या है सर, तगड़ा है, तो इसमें सर जी कोई चांस नहीं बनता है कि आप अगर कम क्वेश्चन बनाकर आए हैं तो आपको मिलेगा, इसमें एकदम तगड़ा कंपटीशन रहता है। तो अगर आपका बीसी में 55 है तो मैं गारंटी देता हूं कि हो जाएगा, अगर किसी का 54 है सर तब बस उम्मीद रख सकता है, वो कन्फर्म नहीं कि होगा, पर हाँ 55 पे मैं गारंटी देता हूं, 55 क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो 5 से गुना कर दो, 5 × 5 = 25, 7 × 2 = 25, 7 × 2 = 27, 275 पर कोई के माई के लाल है, पैदा हुआ है कि रोक देगा तुम्हारा कॉलेज, गारंटी है। अरे 260-270 पे कॉलेज मिल जाता है, 250 पर भी मिल जाता है, वही चीज़ तो मैंने लिखा है सर, 250 पर ईबीसी को मिलता है, इनको 240-230 तक मिल जाता है, इनको और भी कम पे मिल जाता है, बस 5 से गुना करोगे आ जाएगा अपना कितना नंबर आ रहा है, इसमें 5 से गुना करो, इसमें 5 से 5 से, वो नंबर आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से जीएनएम के लिए हाँ 54 है तो उम्मीद रख सकते हो। अब जैसे किसी का ईडब्ल्यूएस में 54 आ रहा है, 53 आ रहा है,
रहा है। तो बस उम्मीद रखो कि बस भगवान कैसे हूँ मिल जाए 10 गो 12 गो नारियल, मतलब भगवान को अपने अंदर में कर लेना है। नारियल फोड़ेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, जैसे मैट्रिक इंटर में नहीं करते थे, उस तरीके से करना है ताकि मिल जाए। पर ऐसा कोई अगर होता तो हम भी कोशिश करते सर उसको पाने की, हमको छोड़ के चल गई, चलिए उसका नौकरी नहीं लगता तो नहीं जाती, बीपीएससी में नौकरी लग गया उसका। पर ये तगड़ा कंपटीशन है सर, तो आप पढ़िए मन लगा के, और अगर नहीं होता इस वर्ष तो हारना नहीं है सर। हमारा भी नहीं हुआ था सर सिलेक्शन 2 बार में 3 बार में, इसमें नहीं, किसी और एग्ज़ाम में नाम नहीं लेंगे, है ना। चलिए तो सर जी, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो भगवान आपको और कुछ बड़ा देना चाहता है। इस बार आपका एनएम हो रहा है, छोड़ दो एनएम, अगला साल जीएनएम करो अगर क्षमता है तो, ये नहीं कि पगल ठेठाई वाला काम नहीं, इस वर्ष एनएम भी नहीं किए, अगला साल जीएनएम भी नहीं होगा फिर, मतलब अगर तुम्हारे अंदर उतना क्षमता है कि नहीं सर इस बार मैंने एनएम किया है, छोड़ो मत, वो सब हम बाद में बताएंगे, कर लो, जो मिल जाए उसे पालो, क्या पता फिर वो मिले ना मिले, कहीं चली जाए, हम यही कहते हैं बाबू, इसलिए जो मिलता है उसको कर लो, बाद में चर्चा करेंगे। एक लाइव सेशन भी हम रख रहे हैं आप लोगों के लिए, आज शाम को हो सकता है कि वो लाइव सेशन करवा दे, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, तो एगो लाइव सेशन हम करवा रहे हैं, उसमें ज्वाइन करिएगा और आपका जो भी डॉट रहेगा ना पूछ लीजिएगा। बाकी रैंक कार्ड का वेट करिए, रिजल्ट कब आएगा सर बोले थे अंत में बताने के लिए, हम रिजल्ट के लिए तो वीडियोया देखें सर अंत तक। तो रिजल्ट जो है बाबू, हर वर्ष का रिकॉर्ड है, 16 जुलाई के बाद कभी भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, 15-16 जुलाई देख लो, 15-16 जुलाई के बाद रिजल्ट कभी भी आ सकती है, ठीक है। हर वर्ष का रिकॉर्ड है 22 से 23 दिन में रिजल्ट आ ही जाता है, ज़्यादा लेट होता नहीं है सर। चलिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए।